नमस्कार दोस्तों, अनबॉक्स मी की वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो का फाइंड एक्स का, जो कि एक प्रीमियम कैटेगरी का स्मार्टफोन है। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं बॉक्स कॉन्टेंट हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये रहा ओप्पो फाइंड एक्स का बॉक्स, जिसमें आगे की ओर आपको फाइंड एक्स लिखा हुआ मिल जाता है और साइड में आपको देखने को मिलता है ओप्पो का ब्रांडिंग और पीछे की ओर आपको देखने को मिलता है कुछ डिटेल जिसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बॉक्स को हम फटाफट से कर लेते हैं ओपन और देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को हमें मिलता है। तो बॉक्स को खोलते के साथ जो सबसे पहला चीज आपको देखने को मिलेगा वो है ओप्पो का फाइंड एक्स। तो चलिए फिलहाल मैं इसे साइड में रख देता हूँ और देखता हूँ बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें बॉक्स के अंदर एक छोटा सा कंटेनर देखने को मिलेगा। कंटेनर के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, पहला है एक छोटा सा बॉक्स और साथ में इस मोबाइल फ़ोन का कवर। अगर हम बात करें कवर की क्वालिटी की तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा कवर मिलता है जो कि हार्ड प्लास्टिक के साथ आता है। तो बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा सिम इजेक्टर टूल। उसके बाद आपको देखने को मिलता है एक अडाप्टर, जिससे आप अपने कोई भी 3.5 ऑडियो जैक वाले ईयरफोन को कनेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन के साथ। उसके बाद आपको देखने को मिलता है एक माइक्रोफाइबर क्लोथ, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को साफ कर सकते हैं, और कुछ यूजर मैनुअल। उसके बाद आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है एक हेडफोन, जो कि टाइप सी वाला हेडफोन है, और साथ में आपको देखने को मिल जाता है एक टाइप सी केबल, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है एक अडाप्टर, जो कि चार्जिंग के लिए काम में लिया जाता है और जो वुक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे आपका मोबाइल फ़ोन काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंटेंट अपने मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा ओप्पो का फाइंड एक्स। तो चलिए मैं इसे कवर से बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन काफ़ी कर्व है और देखने में काफ़ी चमकदार लग रहा है। मोबाइल फ़ोन के पीछे की तरफ आपको ब्लैक और ब्लू का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिससे ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी प्रीमियम फील होता है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू के बारे में और एक बार नज़र डाल लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर चारों तरफ से। मोबाइल फ़ोन के ऊपर की ओर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ एक आईआर ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। मोबाइल फ़ोन के नीचे की ओर आपको स्पीकर ग्रिल, फास्ट चार्जिंग के लिए चार्जिंग सॉकेट और सिम लगाने के लिए सिम ट्री दिया गया है। मोबाइल फ़ोन के राइट साइड में आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको दो वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन। जब तक ये मोबाइल फ़ोन ऑन हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं इसके सभी फीचर्स को, क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर, जो कि एक फ्लैक्सिबल लेवल का प्रोसेसर है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है 8GB का रैम, जो कि DDR4 रैम है। उसके बाद आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है 256GB का स्टोरेज, जो कि इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज वाला बनाता है। उसके बाद आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आगे और पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इस मोबाइल फ़ोन को काफ़ी सॉलिड बनाता है। अगर हम बात करें इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा सेगमेंट के बारे में, तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है पीछे की ओर 16 और 20 का कैमरा, जो कि ड्यूल कैमरा सेटअप है। फ़ोन के आगे की ओर आपको 25 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग के बारे में, तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको वुक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को 1 घंटे से कम समय में फुल चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा मोबाइल फ़ोन हो चुका है ओपन और ये रहा ओप्पो फाइंड एक्स का फर्स्ट लुक। अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन के अबाउट सेक्शन का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन का नाम ओप्पो फाइंड एक्स शो हो रहा है। अगर हम बात करें एंड्रॉयड वर्जन की, तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 8.1.0। प्रोसेसर इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का देखने को मिल जाता है। 8GB का रैम मिल जाता है और 256GB का स्टोरेज मिलता है, जिसमें आपको 221GB अवेलेबल मिल जाता है। अगर हम बात करें इस मोबाइल फ़ोन के दूसरे हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में, तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है एक पॉपअप कैमरा, जो कि कुछ इस तरीके से काम करता है।
अगर बात करें कैमरा सैंपल का, तो मैंने इस मोबाइल फ़ोन से कुछ सैंपल लिए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपके पास 60,000 रुपये हैं मोबाइल फ़ोन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इस मोबाइल फ़ोन को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ कमी की, तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, और ना ही इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिलता है। फ़ोन के अंदर आपको LED नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को नहीं मिलता है, और ना ही इस मोबाइल फ़ोन को वाटर और डस्ट प्रूफ बनाया गया है। अगर आपको कोई कॉल आता है, कॉल को रिसीव करने के बाद जब आप इस मोबाइल फ़ोन को अपने कान के ऊपर लगाएंगे, तो इसका लाइट ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा। आपको पावर बटन दबा के इसका लाइट को बार बार बंद और चालू करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस मोबाइल फ़ोन के UI के बारे में, तो इस मोबाइल फ़ोन का UI काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपको काफ़ी कम कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको कोई यूनिक डिजाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस मोबाइल फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको इस मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आप इस मोबाइल फ़ोन को बाय करना चाहते हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया अपने वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा।